press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की स्पेशल और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे तो बहादुर और शिक्षित मुस्लिम महिलाओं को लुबना जैदी जी और नाजिया लाई खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए और अपनी ओपन माइंडेडनेस के लिए जानी जाती हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट नॉलेजेबल और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। रिसेंटली ईरान के एक बहुत बड़े प्रीचर ने कहा कि औरतें हमारे लिए जो है वो एंटरटेनमेंट का सामान है। औरतों को आप एंटरटेनमेंट और बिस्तर का सामान समझें, उसको आप एक्चुअली मैं आपको पढ़ के ही सुना देती हूँ क्योंकि मैंने उसको ट्वीट किया था, तो एग्जैक्ट वर्ड में पढ़ के ही सुना देती हूँ। जस्ट गिव मी 10 सेकेंड। I just need 10 seconds. Honey, it's fine. It's good कि आप direct पढ़ें। हाँ तो लोगों को ना सही से समझ में आएगा। हाँ नहीं, मैं आपको से ये सवाल पूछने वाली थी extremism के बारे में कि Donald Trump ने तो ये बोला है ना कि extremism जैसे मुस्लिम actually immigration भी वो बोल रहा था कि वो रोकेगा और जो illegal immigrants अमेरिका में उनको निकालेगा, उसने ऐसी काफी बातें करी थी। एंड ये भी मुझे आपसे पूछना है कि कुछ लोगों को डर था वर्ल्ड वॉर 3 होगी तो क्या होगी। अब इस्लामिक रेजिम इमाम फ्रॉम ईरान, वुमेन आर एनिमल, वुमेन आर एनिमल्स क्रिएटेड बाय अल्लाह टू बी यूज्ड बाय मेन। वुमेन आर नो डिफरेंट फ्रॉम काउस, शीप, हॉर्सेस और म्यूल्स। गॉड मेड वुमेन रिजेंबल ह्यूमंस सो दे वुडंट फ्राइटन मेन। Why do they hate women so much? ये मैं पूछ रही हूँ, ये मैंने पूछा है अपने ट्वीट में। तो अब आप सोचो कि इतनी गंदी बात, मतलब इतनी बेहुदा आवारा बात अगर कोई एक इस्लामिक प्रीचर कर रहा है, उसकी तस्वीर भी मैं दिखा देती हूँ ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैंने हवाबाजी कर दी भाई। तो अब क्या है कि हम इनके बारे में पूरी दुनिया को बताएंगे और हमारी बातों को कंसीडर किया जाएगा। तो इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट था ट्रंप का जीतना। और 3 आइकॉनिक टॉपिक पर इस बार 2024 का अमेरिका का इलेक्शन हुआ था। द फर्स्ट इज इकोनॉमी, the second is immigration and the third is health. तो economy पे मैं बहुत ज़्यादा जो बाइडेन को मैं टारगेट नहीं करूँगी क्योंकि उसने अगर हम जियो पॉलिटिक्स में जा कर के किसी को भी अगर इकोनॉमिक की बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी तो ट्रम्प ने बहुत बैलेंस सारे डिसीजन्स लिए हैं और सो उसने बहुत अच्छे से संभाल के रखा। इमिग्रेशन को उसने बहुत हार्श देखा था, बहुत ज़्यादा, और इसीलिए इस बार कमला हैरिस के जितने भी इलेक्शन कंपेनिंग हो रहे थे वो उसमें वायदा करती हुई दिखाई दे रही थी इमिग्रेशन को बेटर करने के। द थर्ड थिंग इज हेल्थ। जो बाइडेन के 2020 से 2024 के काम में अगर हम देखें तो हेल्थ इश्यूज उनके देश में बहुत हुए। इवन क्वाड की मीटिंग में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि जिस हिसाब से कैंसर और हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, उसको मतलब बहुत कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा कुछ बड़ी स्टेप नहीं ली जा रही है जो लेने की जरूरत है। तो इन दो मुद्दों पर, जिस इमिग्रेशन और हेल्थ के मुद्दों पर जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों को कन्विंस किया है, कमला हैरिस नहीं कर पाए, बिल्कुल नहीं कर पाए। वो तो ऐसे ही आई थी, वो तो उनके जो एक्चुअली जो प्रेसिडेंट था उनका वो बोल कुछ और रहे, दिमाग कहीं और चल रहा है, लाइक पूरे सठिया गए वो, ये ना तो इसलिए उनको डाला था कमला हैरिस को, क्योंकि वो तो वैसे भी देखिए वो लोग ना अमेरिका हम सबको यकीन दिलाना चाह रहे थे कि वो लोग दोबारा जीतेंगे, मगर एक्चुअली असलियत ये कि सब तंग आ चुके हैं, उनकी जो आवाम है जो सिटीजन है वो तंग है, सब यू नो सब लोगों को ये डर है कि यार ये लोग टिके रहेंगे तो हम लोग जा रहे हैं, पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 में जाएगी, ये लोग तो जब भी ये लोग आते हैं जंगे होती हैं फसाद होता है, तो लोग इसी डर से भी डोनाल्ड ट्रंप को वोट करें क्योंकि वो नहीं चाहते कि यार यूक्रेन रशिया
और इसराइल और ये सब जो चल रहा है वो और चीजें बढ़े, क्योंकि अभी भी खतरा है ना, वो पूरी दुनिया इसमें घिर जाएगी। तो आपको लग रहा है कि अब वो अगर डोनाल्ड ट्रंप आता है तो वर्ल्ड वॉर 3 से हम लोग बच सकते हैं? लुबना, पहले मैं आपका रिप्लाई दूंगी कि आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया, सठिया गए हैं। डेफिनेटली जो बाइडेन सठिया तो गया ही था, तभी तो वो ज़ेलेंस्की को भी आश्वासन दे रहा था और साथ साथ रशिया यूक्रेन दोनों को जलेबी पका पका करके दे रहा था। उसको भी कह रहा है कि हम तुमको बहुत सारे फाइटर जेट जो है वो प्रोवाइड करेंगे, और उधर भी कह रहा है कि हम तुम्हारे पूरे समर्थन में हैं, ठीक है। इधर भी कह रहा है कि शेख हसीना को ऐसे नहीं भगाना चाहिए, और उधर कह रहा है मोहम्मद यूनुस को हिजबुत तहरीक भी बुला लो, जैश मोहम्मद भी बुला लो, जमात इस्लामी बुला लो। तो जो बाइडेन सठियाया जरूर है, लेकिन अभी भी उसका दिमाग बहुत तेज, बहुत तेज। उसको भूलने की कोई एक ऐसी बीमारी तो होती है, जो मैंने यहाँ पर भारत में भी बहुत सारे बड़े प्रोफेसर को बाद में बहुत एज होने के बाद मैंने देखा है, जैसे मेरे एक बहुत बहुत पुराने सीनियर हैं, दिल्ली में रहते हैं, नोएडा में, मैं उनसे अब पहले मिलने जाती थी तो बहुत उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था, लेकिन अब मिलने जाती हूँ तो वो कहते हैं नाजिया तुम तो कल ही आई थी, आज फिर आ गई। तो बोले नहीं सर, मैं आपसे मिलने एक महीने के बाद आई हूँ। तो वो एक बीमारी अलग है, लेकिन वो जो मेमोरी फिर आती है जो बाइडेन की, तो वो वॉर कॉन्फ्लिक्ट लड़ाओ मरवाओ दहशत करवाओ वो आ जाती है उसके अंदर, जॉब अटेंड के अंदर वो आती है। उसको पैसा भेजो और उससे उसको लड़वा दो, उसको फाइटर जेट भेजो उससे उसका उसको लड़वा दो। तो इस तरीके की जो चालबाजी है वो जॉब अटेंड में अभी भी, और जॉब अटेंड को पता था कि उसके हेल्थ की वजह से, उसके मेमोरी की वजह से लोग उसको उतना ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोग उसको बीमार ही समझेंगे। और क्योंकि कमला हैरिस को उसने प्रोजेक्ट बना करके उतारा था कि इसका जो ओरिजिन आता है, इसके जो एंसेस्टर्स आते हैं वो हिंदू के हैं, और 1% पूरा का पूरा वोट और समर्थन जो हिंदुओं का पूरे दुनिया का है वो कमला हैरिस को मिल जाएगा। और क्योंकि आपको मुझसे ज्यादा बेटर आपको पता होगा क्योंकि आप यूके में है, 1% वोट भी वहां के इलेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, भले ही भारत के इलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण ना हो लेकिन वहां के इलेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण। अब आपने आपका दूसरे सवाल का मैं जवाब देती हूँ कि डेफिनेटली ट्रंप के आने से अभी इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट जो है वो अभी मतलब बहुत परेशान है, बहुत परेशान हो रहे हैं। थर्ड थिंग इज कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ये पूरी दुनिया नहीं चाहती थी कि हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि हो, लेकिन ट्रंप के आने से इसको हम लोग मतलब ऐसे दृश्य को नहीं देख पाएंगे। इवन अब जो पाकिस्तान है, अगर अमेरिका और भारत के डायस्पोरा को हम देखते हैं, तो अब पाकिस्तान अगर अमेरिका से बात करना चाहेगा तो ट्रंप साहब जो हैं वो मोदी जी से बात करने के बाद, उनसे मशवरा करने के बाद ही वो पाकिस्तान से बात करेंगे, वो अकेले बात नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत खूबसूरत सिनेरियो सेट हुआ है भारत के लिए, और भारत के बायलैटरल रिलेशन, ट्रीटी के रिलेशन, और जितने भी भारत के डिप्लोमेट और अमेरिका के डिप्लोमेट एक दूसरे के देश में हैं, वो बहुत और भी ज्यादा एनहांस करेगा, और भी ज्यादा ब्राइट एंड शाइन करेगा। क्योंकि दो व्यक्ति का दिमाग अगर बिल्कुल एक जैसा होता है तो वो देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी बहुत खूबसूरत हो जाता है। क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भी टेररिज्म को जीरो टॉलरेंस के बारे में बात कर चुके हैं, और ट्रंप के हमेशा से ही जो दिमाग रहा है वो भी टेररिज्म के अगेंस्ट रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाला वक्त हमारे लिए जश्न का होगा, आप वहां मनाएंगी मैं यहाँ मनाऊंगी, और कहीं ना कहीं जितने भी वो सरतन से जुदा और गला काटो की सजा जो करते हैं वो लोग अब थोड़ा सा अपना कान और आंख खड़ा कर देंगे कि भाई अब तो दिक्कत है, अब तो इंटरनेशनली भी दिक्कत है और नेशनली भी दिक्कत है। मुझे लगता है कि इन टोटल, इन क्रक्स, इन सिनॉप्सिस में इतना ही कहूंगी कि बहुत खुशी की बात है कि ट्रंप जीत रहे हैं, वो ओथ लेंगे, मैं भी मिठाइयाँ बांटूंगी और मैं भी पूजा करूंगी, नारियल फोड़ूंगी, क्योंकि मैं बहुत दिल से चाहती थी कि ट्रंप आए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम बहुत आउट स्पोकन नहीं बोल पाते थे, अब हम बोल पाए।
अगर आप नहीं बोल पा रही थी जब आप ऑलरेडी आउट स्पोकन है, तो हम इंतजार करेंगे कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो तब आप कितनी आउट स्पोकन होगी। वो लोग इमेजिन नहीं कर पाएंगे। वो मैंने 2023 के एक इंटरव्यू में, एक पॉडकास्ट में कहा था कि नाजिया ने अभी भी मुसलमानों के चरित्र के बारे में सिर्फ 25% बताया है, अभी 75% बाकी है। तो ट्रंप के ओथ के बाद वो 75% का राज खोलूंगी ना, पिक्चर अभी बाकी है। वेल फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच नाजिया जी। और ऑफकोर्स मैं दुआ ही मांगूंगी कि ऐसा वैसा कोई असैसिनेशन या ऐसी कोई चीज ना हो, क्योंकि वैसे तो ऑफकोर्स मैं तो वैसे भी अगेंस्ट हूँ किसी भी किसी की लाइक किस्म की वायलेंस की, मगर दुनिया में है बुरे लोग जो इस टाइप की चीजें करते हैं। सो वी विल सी, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड सी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। थैंक यू। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और लुबना ज़ैदी जी और नाज़िया अली खान जी का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, जहाँ पे आपने देखा इन दोनों ने बात की प्रधानमंत्री मोदी से लेके डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बारे में। और जैसे कि लुबना ज़ैदी जी ने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है, तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।